आज के टाइम में हर कोई सोसाइटी में एक अच्छी इमेज और रिस्पेक्ट की उम्मीद करता है, और इसीलिए लोग दूसरों के एक्सपेक्टेशंस पर खरा उतरने के लिए खुद के सपनों को भी ख़त्म कर देते हैं। अगर आपको हीरो बनना है तो खुद के लिए हीरो बनिए, क्योंकि ये दुनिया एक्सपेक्टेशंस तो रख लेती है पर ज़रूरत पूरी हो जाने पर वो लोग आपको भूल जाते हैं, और आप ज़िंदगी भर अपने आप को कोसते रहते हैं कि काश अपने मन की बात सुन ली होती तो शायद मैं भी आज बहुत अच्छी पोजीशन पर होता, बहुत खुश होता। तो क्या आप भी अपनी लाइफ में आने वाली ट्रबल से परेशान हैं, या फिर आपने अपनी लाइफ को परेशानियों से भर दिया है? अगर जवाब हाँ है तो जितना आप सोचते हैं लाइफ उतनी मुश्किल भी नहीं है। हमने इन परेशानियों को ज़बरदस्ती अपने ऊपर थोप रखा है। तो चलिए वीडियो में आगे जानते हैं कि मैंने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि ऐसी सिचुएशंस को कैसे डील करें, इस तरह की करेज यानी कि हिम्मत अपने अंदर कैसे पैदा करें जो हमें इससे बाहर निकाले। इस वीडियो में मैंने 4 लेसन्स के बारे में बात की है, और अगर आपने रियली इन्हें अपनी लाइफ में ऐड किया तो फिर आगे से आपको कभी भी किसी की बातों से, एटीट्यूड से या बिहेवियर से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप किए ज़रूर देखिए, ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है। सो सबसे पहला लेसन है, खुद को नापसंद करना बंद कीजिए। अगर आप भी किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, जैसे कि आप किसी से अच्छे से बात नहीं कर पाते हैं, उसके सामने अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रख पाते हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है और आपकी पर्सनालिटी भी अच्छी नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी गलती यहीं पर होती है। आपकी सबसे बड़ी गलती है खुद को नापसंद करना, क्योंकि आप हमेशा अपनी कमियों और कमजोरियों पर ही फोकस्ड रहते हैं, अपनी अच्छाई और पावर को नज़रअंदाज करते रहते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं आपके मन में ये डर है कि अगर आपने लोगों के सामने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा, अपनी बात रखी, तो सब आपका मजाक उड़ाएंगे। उससे आपके खुद के अंदर इतना सेल्फ डाउट आ जाएगा कि वो सोचने लग जाएगा कि मेरी पर्सनालिटी ही बुरी है, तो जब मैं लोगों के सामने जाऊंगा वो मेरे बारे में पता नहीं क्या सोचेंगे और क्या कहेंगे। और इस डर की वजह से आप किसी के सामने जाने से डरते हैं, लेकिन सच्चाई तो ये है कि आप अपनी पूरी ज़िंदगी अकेले तो नहीं रह सकते। जितना ज़्यादा आप अकेले रहेंगे आपका ये डर उतना ही बढ़ता जाएगा, इसीलिए आपको लोगों के पास जाना होगा, उनसे बात करनी होगी। हो सकता है वो आपका मजाक उड़ाएं, आपको टॉन्ट करें, लेकिन ये बहुत ही कॉमन सी बात है। आप भी सिर्फ उसे मजाक समझकर भूल जाना। आप किसी से बात करते हैं तो हो सकता है कि किसी को आपका ओपिनियन गलत लगे, पर उसमें भी डरने की कोई बात नहीं है। हर इंसान उसकी सोच अलग होती है, और अगर आप पूरी लाइफ अकेले ही बिताते हैं तो ये डर आपका धीरे धीरे बड़ा बनता जाएगा और एक दिन एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम बन जाएगा। तो अब ये समझते हैं कि ऐसा होता क्यों है। सो आपकी हर प्रॉब्लम के पीछे एक इंटरपर्सनल प्रॉब्लम होती है। इंटरपर्सनल प्रॉब्लम का मतलब है ऐसी प्रॉब्लम जो आपको खुद से है, दूसरों को आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम है कि आपकी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं है, पर क्या पता ऐसा सिर्फ आपको लगता हो, बाकी लोगों को आपकी पर्सनैलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को इंटरपर्सनल प्रॉब्लम कहा जाता है। वैसे ही जैसे आप अपने बारे में सोचते हैं कि आप बहुत मोटे हैं, लोग क्या सोचते होंगे आपके बारे में कि आप तो इतने मोटे हो गए हैं, पर असल में जब आप लोगों से पूछेंगे तो पता चलेगा कि आप इतने भी मोटे नहीं हैं जितना आप सोचते हैं। आपका मोटापा सिर्फ आपकी प्रॉब्लम है, पर असल में वो लोगों के लिए नॉर्मल है। लेकिन ये इंटरपर्सनल प्रॉब्लम हमारे अंदर आती कहाँ से है? इसका सबसे बड़ा रीज़न है कंपैरिजन, यानी कि तुलना करना। हम अक्सर किसी न किसी के साथ अपने आप को कंपेयर करते रहते हैं। मान लीजिए आप थोड़े से मोटे हो जाते हैं तो आप किसी फिट इंसान को देखकर तुरंत ही उससे अपना कंपैरिजन करने लगते हैं, और ये कंपैरिजन इंसान अपनी लाइफ के हर एरिया में करता है। जब वो स्कूल और कॉलेज में होता है तो अपने फ्रेंड्स के मार्क के साथ कंपेयर करता है, जब वो कोई जॉब करता है तो सैलरी कंपेयर करता है, अगर वो कोई बिजनेस करता है तो प्रॉफिट और लॉस कंपेयर करता है। सो सीधा सा मतलब ये है कि कंपेयर करके आप अपने आप को नहीं बदल सकते, क्योंकि हम सब अलग हैं, हमारा काम करने का तरीका अलग है, तो हमारे रिजल्ट्स भी अलग ही होंगे। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि जब हमने अपनी बॉडी बनाने के लिए मेहनत नहीं की तो हम उससे अपना कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं जिसने बहुत मेहनत की है, और अगर आपने पढ़ाई ठीक से नहीं की तो उससे दूसरों से कंपेयर कैसे कर सकते हैं जिसने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है अपनी पढ़ाई के लिए। इसीलिए हमें कभी भी किसी से कंपेयर नहीं करना चाहिए। इसके बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है रिजेक्शन की। अगर आपको डर लगता है कि आपको कोई रिजेक्ट कर देगा और इसकी वजह से आप कोशिश भी नहीं करते हैं, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जब तक आप रिजेक्शन को फेस नहीं करेंगे तब तक आप इम्प्रूव नहीं कर सकते।
अगर आपको कोई रिजेक्शन मिला है तो उसे इस तरह से सोचिए कि आपको कोई नई लर्निंग मिली है। हर इंसान को हर फील्ड में रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है, फिर चाहे वो जॉब हो, रिलेशनशिप हो या कुछ और, लेकिन इसको एक सीढ़ी समझकर सक्सेस तक पहुंचने के लिए उसका यूज करना चाहिए। लेसन नंबर 2, दूसरों को खुश करना बंद कर दीजिए। हमारी लाइफ हमें इसलिए भी अच्छी नहीं लगती क्योंकि हमेशा हम दूसरों को खुश करने में लगे होते हैं। लाइफ में खुशी के साथ जीने के लिए एक और चीज़ सबसे ज़रूरी होती है और वो है फ्रीडम। और इस फ्रीडम को पाने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप सबको अपने दोस्त की तरह ही देखिए। लेकिन हर किसी को तो फ्रेंड नहीं बनाया जा सकता, जैसे कि हमारे पेरेंट्स। लेकिन जब आपको लगने लगे कि आपके पेरेंट्स आपकी फ्रीडम को रोक रहे हैं, आपके करियर में हर्डल बन रहे हैं, तो आपको वहाँ पर रुक जाना चाहिए, क्योंकि ये लाइफ आपकी है। अगर आपको खुशी चाहिए तो किसी की मत सुनिए। अगर आप जैसा आपके पेरेंट्स बोलेंगे वैसा ही करते जाएंगे तो आप अपने सपने कभी पूरे नहीं कर पाएंगे और आप सिर्फ अपने पेरेंट्स के सपनों को पूरा करते रह जाएंगे और इस वजह से भी आप कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे। जब हम लगातार दूसरों को खुश करने की कोशिश करते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि हम असल में कौन हैं। ज़रा सोच कर देखिए, पूरे टाइम एक नकली मास्क पहनकर दूसरों को खुश करने का दिखावा करते हुए हम कैसे लगते हैं। ये बहुत ही थकाऊ और खुद को बुरा फील कराने वाला होता है। हम सबके पास अनोखे टैलेंट्स हैं और कुछ डिज़ायर्स हैं। उनको सेटिस्फाई करने के लिए अपने विशेष को, डिज़ायर्स को इग्नोर करके हम खुद को पूरी तरीके से जीने भी नहीं देते। फिर चाहे हम कितनी भी कोशिश कर लें, हमेशा कोई न कोई ऐसा होगा जो हमसे खुश नहीं होगा। और जिस मोमेंट हमें लगता है कि हमने किसी एक इंसान को खुश कर दिया है, तभी दूसरी उम्मीद पैदा हो जाती है और ये साइकिल हमें थका हुआ और अधूरा महसूस कराती है, जिससे हमारी खुशी हमारी कंट्रोल के बाहर हो जाती है और वो बाहरी फैक्टर पर डिपेंड हो जाती है। इसके बजाय जब हम अपने सपनों को, अपने विशेस को प्रायोरिटी देते हैं, तो हम कॉन्फिडेंस और खुशी के लिए अपने अंदर एक स्ट्रांग फीलिंग ला पाते हैं, ताकि एक टाइम के बाद जब हम पीछे मुड़कर अपनी लाइफ में देखें और महसूस करें कि हमने अपनी पूरी लाइफ अपने पैशन का पीछा करने के बजाय किसी और की उम्मीदों पर खरा उतरने में बिताई है, तो ये एहसास दिल तोड़ने वाला हो सकता है। अपने सपनों का पीछा करने के लिए कभी भी देर नहीं होती, लेकिन हम जितना ज़्यादा इंतज़ार करेंगे उतना ही ये मुश्किल होता जाएगा। लेकिन कुछ बातें क्लियर करना ज़रूरी है, जैसे कि पर्सनल खुशी पर फोकस करने का मतलब दूसरों की ज़रूरतों की अनदेखी करना बिल्कुल नहीं है। यह सेल्फ केयर और दूसरों की देखभाल के बीच में बैलेंस बनाए रखने के बारे में है। जब हम अपनी भलाई को प्रायोरिटी देते हैं तो हम दूसरों की मदद करने के लिए बेहतर तरीके से तैयार हो पाते हैं। दूसरों की मदद करने से पहले आपको अपनी ज़रूरत का भी ध्यान रखना चाहिए। इस तरह से दूसरों की मदद करने से पहले आपको अपने बारे में भी सोचना चाहिए। इसके अलावा अपने ट्रू सेल्फ को अपनाने से दूसरों को भी ऐसा करने की आप इंस्पिरेशन देते हैं। जब लोग हमें ऑथेंटिकली जीते हुए अपने सपनों का पीछा करते हुए देखते हैं तो इससे उन्हें भी ऐसा करने की इंस्पिरेशन मिलती है और हमारा करेज तब और भी बड़ा हो जाता है, जिससे पॉजिटिविटी और एम्पावरमेंट का इफेक्ट पैदा होता है। खुद के लिए सच्चे होने से ना केवल हम खुशी पाते हैं, बल्कि दूसरों को भी ऐसा करने के लिए मोटिवेट करते हैं। तो दूसरों को खुश करने की कोशिश करना बंद कर दीजिए, अपने सपनों को पूरा करने पर फोकस रहिए, क्योंकि ऑथेंटिकली जीने से हम अपने एक्चुअल सेल्फ को एक्सेप्ट कर पाते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं और दूसरों से सर्टिफिकेट पाने के जाल से भी बचते हैं। जबकि दूसरों को खुश करना नेचुरल होता है, ये हमारी अपनी खुशी की कीमत पर नहीं आना चाहिए। तो सेल्फ केयर को प्रायोरिटी देकर आप अपने पैशन का पीछा करके ना केवल सेटिस्फाइड होते हैं, बल्कि दूसरों को भी ऐसा करने के लिए इंस्पायर करते हैं। लेसन नंबर 3, फॉरगॉट योर पास्ट। जब हम बच्चों को देखते हैं तो यही सोचते हैं कि इनकी लाइफ कितनी अच्छी है, क्योंकि इनके ऊपर ना तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना ही कोई जिम्मेदारी। उनको कोई भी टैक्स नहीं भरना पड़ता, उनको कोई बिल नहीं जमा करना पड़ता, उनका सारा ख्याल उनके पेरेंट्स रखते हैं, इसीलिए बच्चों की लाइफ में खुशी ज़्यादा है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं, ये दुनिया और लाइफ अपना असली रंग दिखाने लगते हैं। और फिर जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनके ऊपर भी परेशानी और जिम्मेदारियों का पहाड़ टूट जाता है। लेकिन बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं कि लाइफ तो सिर्फ स्ट्रगल का ही नाम रह गया है, लेकिन ऐसा है नहीं। इस दुनिया में हर कोई स्ट्रगल इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि दुनिया बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बल्कि इसलिए कर रहा है क्योंकि लोग अपने लिए दुनिया को बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना लेते हैं। जैसा उन्हें दुनिया को देखना चाहिए वो वैसे नहीं देखते। ये सिर्फ हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी दुनिया और लाइफ कॉम्प्लिकेटेड करनी है या सिंपल रखनी है।
प्रॉब्लम ये नहीं है कि दुनिया कैसी है, प्रॉब्लम ये है कि आप कैसे हैं। अगर आप डार्क चश्मे से दुनिया को देखेंगे तो डार्क ही नजर आएगा, पर अगर आप चश्मे को उतार देंगे तो दुनिया चमकती हुई, शाइन करती हुई नजर आएगी। लेकिन इस चश्मे को उतारने के लिए करेज यानी कि हिम्मत चाहिए। मान लीजिए कोई बहुत दुखी है, डिप्रेस्ड है, उसने अपने आप को कमरे में बंद रखा है, वो लोगों से मिलना नहीं चाहता, तो इसका उसके बिहेवियर और सोच पर बहुत गहरा असर पड़ता है। वो उसे हमेशा अपने पास्ट की याद दिलाता रहेगा, इसीलिए उसे अपने पास्ट को इग्नोर करना है और मूव ऑन करने के बारे में सोचना है और आज के गोल्स पर ध्यान देना है, जिससे कि वो अपने फ्यूचर को अच्छा बना सके, उसके लिए मोटिवेट रह सके, डिप्रेशन और चिंता से बाहर आ सके। और सबसे बड़ा फैक्ट तो ये है कि फेल होने के पीछे पास्ट का कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि अगर ऐसा होता तो दुनिया में आज कोई भी सक्सेस नहीं हो पाता, क्योंकि सभी के पास्ट में फेलियर ज़रूर मिली होती है। लेसन नंबर 4, दूसरों के लिए रोल मॉडल बनना बंद कर दीजिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सेल्फिश बन जाइए, लाइफ में किसी की मत सुनिए, सिर्फ अपनी मर्जी चलाइए, बल्कि मेरे कहने का मतलब है कि लाइफ में सेल्फिश बन जाना और खुद के लिए जीना, इन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। सेल्फिश होना एक ऐसी कंडीशन है जिसमें लोग सिर्फ अपना फ़ायदा ही नहीं देखते बल्कि वो दूसरों का नुकसान भी चाहते हैं, लेकिन खुद के लिए जीना सेल्फिश होने से बहुत अलग है। अपने लिए जीने का मतलब सेल्फिश होना नहीं है, ये आपकी अपनी इच्छाओं और दूसरों के एक्सपेक्टेशंस के बीच में बैलेंस बनाने के बारे में है। जब हम अपनी खुशी और भलाई को प्रायोरिटी देते हैं तो हम दूसरों को बेहतर तरीके से हेल्प कर पाते हैं और ज़्यादा सेटिस्फाइड लाइफ जीते हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि अपने लिए जीने का क्या मतलब हुआ फिर? अपने लिए जीने का मतलब दूसरों की ज़रूरतों और फीलिंग्स को इग्नोर करना नहीं है, बल्कि अपनी ज़रूरतों को पहचानना और उनकी रिस्पेक्ट करना है। और अपने लिए जीने में अपने जुनून का पीछा करना और अपने सपनों का पीछा करना भी शामिल होता है, अपने मेंटल और फिजिकल हेल्थ को प्रायोरिटी देना शामिल होता है, अपने लिए हेल्दी बाउंड्री सेट करना होता है, उन चीज़ों को ना कहना होता है जो आपके काम की नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका कोई दोस्त किसी टफ टाइम से गुजर रहा है, तब अपने लिए जीने का मतलब उनके स्ट्रगल्स को इग्नोर करना या किसी तरह की हेल्प करने से इनकार करना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है कि अपनी ज़रूरतों का ख्याल रखते हुए उनकी मदद करने के तरीके ढूंढना। अपने लिए जीने का मतलब है दूसरों की एक्सपेक्टेशंस पर खरा उतरने की ज़रूरत को छोड़ देना। अपनी फैमिली, फ्रेंड्स और सोसाइटी को खुश करना नेचुरल है, लेकिन लगातार दूसरों से सर्टिफिकेट की मांग करने से खालीपन और डिसरिस्पेक्ट की फीलिंग पैदा होती है, इसीलिए खुद पर फोकस्ड रहना भी ज़रूरी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें दूसरों की राय को पूरी तरह से इग्नोर कर ही देना चाहिए, बल्कि हमें उन्हें अपनी वैल्यूज़ और इच्छाओं से अलग रखना चाहिए। आखिरकार ये हमारी लाइफ है जिसे हमें जीना है, और हमें दूसरों के एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने के लिए अपनी खुशी को छोड़ना नहीं चाहिए। अपनी लाइफ में खुशी लाना ये आपकी जिम्मेदारी है। अपने डिससेटिस्फैक्शन के लिए बाहरी सिचुएशंस को दोष देना आसान होता है, जैसे हमारी जॉब, हमारे रिलेशनशिप्स, हमारे सिचुएशंस, लेकिन आखिरकार हमारे पास ये चूज़ करने की पावर होती है कि हम टफ सिचुएशन और चैलेंजेस को कैसे जवाब देते हैं। लेकिन खुद को ही ज़रूरत से ज़्यादा अहमियत देना भी सही नहीं होता, क्योंकि जब हम लोगों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरते तो आपको खुद के बारे में बुरा लगता है, और जब आप खुद को ज़्यादा अहमियत देंगे तो आपके अंदर भी सेल्फिश वाली फीलिंग आने लगती है, और फिर आप हर इंसान के लिए सोचने लग जाएंगे कि इस इंसान से मेरा क्या फ़ायदा होने वाला है। आप हर पल हर चीज़ में अपना ही फ़ायदा देखेंगे, यानी आपको कभी सेंटर ऑफ द वर्ल्ड नहीं बनना है, क्योंकि सब आप पर डिपेंड नहीं है, इसीलिए आपको भी किसी को प्रूफ दिखाने की ज़रूरत नहीं है। सो लाइफ में आगे बढ़ते रहना और खुद की कंपैरिजन दूसरों से ना करना ही काफ़ी है, क्योंकि हमारी लाइफ कोई कंपटीशन नहीं है। सेपरेशन ऑफ टास्क का मतलब है ये पहचानना कि आप क्या कंट्रोल कर सकते हैं और क्या नहीं, और सिर्फ उसी पर अपना फोकस रखिए जो आपके कंट्रोल में है। साथ ही ये भी फाइंड आउट करना कि कौन से टास्क आपके हैं और कौन से दूसरों के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये चूज़ करना कि कोई आपको पसंद करता है या नहीं, या आपके साथ अच्छा बिहेवियर करता है या नहीं, उनका काम है, आपका नहीं। हमें ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि हम सिर्फ अपने कामों पर फोकस करें जिन पर हमारा कंट्रोल है। कैपेबिलिटीज़ पर और करेज पर फोकस करिए, अपने कामों को फेस करने की हिम्मत रखिए, दूसरों को खुद के रिजेक्ट किए जाने को फेस करने की हिम्मत रखिए। इसका मतलब है कि लोग आपको कैसा देखते हैं ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है, तो वो करेज डेवलप कीजिए जहां आपको पता है कि आपको पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता।
दूसरों को अपना दुश्मन मानने की जगह उन्हें अपने फ्रेंड की तरह देखें। जब हम और आप सैड मोड में होते हैं तब लोग हमारा सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं, इसीलिए इस सिचुएशन से हमेशा बचना चाहिए। और जब हम दूसरों की बताई हुई डायरेक्शंस को चूज़ करते हैं, उसे ही अपनी लाइफ पर हावी होने देते हैं, तो हम कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं बन पाते। लोग अक्सर तभी वैल्यू के बारे में जानते हैं जब उन्हें ये फील होता है कि वो किसी की लाइफ में वैल्यू करते हैं। सो दूसरों के सर्टिफिकेट पाने के बजाय ये जानने की कोशिश कीजिए कि आप दूसरों की लाइफ में क्या वैल्यू ऐड करते हैं। देखिए, हम किसी भी समय बदल सकते हैं क्योंकि हमारे पास वो सोल पावर होती है, और ये दुनिया तभी बदलती है जब हम खुद को बदलते हैं। सो गाइज, ये थे वो 4 लेसन्स जो कि एक बहुत ही बेहतरीन बुक द करेज टू बी डिसलाइक में एक्सप्लेन की गई हैं, और ये वो लेसन्स हैं जो हमें हमारी लाइफ में काफ़ी कुछ सिखाते हैं, काफ़ी कुछ मैच्योरिटी के साथ हैंडल करना सिखाती हैं। सो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, और इसी तरह की और भी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सो हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।